नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न सोशलिज्म और कम्युनिज्म के फादर कहे जाने वाले कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी और उनकी फिलोसॉफी के बारे में। मान लीजिए दोस्तों, आपको एक लिस्ट बनाने को कहा जाए और कहा जाए कि दुनिया के इतिहास के 10 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की एक लिस्ट बनाइए, तो एक बात तय है कि उसमें कार्ल मार्क्स का नाम श्योरली आएगा। चाहे आप मार्क्स को सपोर्ट करते हो, चाहे कार्ल मार्क्स के आइडियाज का आप विरोध करते हो, उनके क्रिटिक हो, लेकिन एक बात से आप ना नहीं कर सकते कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आज भी आप दुनिया भर के देशों को देखें, उनकी पॉलिटिकल विचारधाराओं को देखें, उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज को देखें, तो उसमें आपको बहुत सारे देशों में सोशलिज्म और कम्युनिज्म देखने को मिल जाएगा। आप अपने आसपास ही देखेंगे, चाइना आपको दिखेगा, आपको रशिया दिखेगा, तो ये कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं ये देश। ये कम्युनिज्म का जो आइडिया है, ये जो मॉडर्न सोशलिज्म का जो आइडिया है, ये कहां से आया है? ये मेनली आया है कार्ल मार्क्स की फिलोसॉफी से, और इसीलिए कार्ल मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर हैं स्पेशली सोशलिज्म और कम्युनिज्म में। और दुनिया भर के लोग इनको पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इनका सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इनके क्रिटिक भी हैं, लेकिन सब लोग इनको पढ़ते जरूर हैं, इनकी फिलोसॉफी को जानते जरूर हैं। तो आज हम भी इनकी फिलोसॉफी को पढ़ लेते हैं, जानते हैं कौन थे कार्ल मार्क्स, कहाँ पे जन्मे, क्या कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में किया, कौन सी आइडियाज और कौन सी थ्योरीज को इन्होंने दुनिया के सामने पेश किया। इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, एक है दास कैपिटल और एक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो एक ऐसे ही है वैसे, ये इन्होंने अपने मित्र जो हैं फ्रेडरिक इंगल्स के साथ मिलकर लिखा था, और ये कम्युनिस्ट लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। तो चलिए जानते हैं कौन थे कार्ल मार्क्स, और इनका एक कोट है, इस कोट को देखिए, ये कोट क्या कहता है। ये कह रहे हैं, द पास्ट लाइज लाइक ए नाइटमेयर अपॉन द प्रेजेंट। तो जो पास्ट है, जो भूतकाल है, जो बीत गया, हम सोचते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, ऐसा नहीं है। पास्ट हमेशा नाइटमेयर की तरह आपके प्रेजेंट को फॉलो करता है, वो हमेशा आपके पीछे रहता है, आपके कर्म आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना भी था, और ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं, तो ये इन्होंने इन शब्दों में कह दिया। कौन है कार्ल मार्क्स एज ए स्कॉलर, उन्होंने किन किन विषयों में अपनी फिलोसॉफी दी और पढ़ाई करी? तो जर्मन फिलोसोफर है, जर्मनी में पैदा हुए, आज का जर्मनी नहीं, आज का जर्मनी जो बना है ये 1871 में बना था, इसका यूनिफिकेशन होने से पहले ये अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में था, तो प्रूशिया नाम का जो स्टेट था वहां पे इनका जन्म हुआ। इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिकल आइडियाज तो हैं, सोशलिज्म पे ऊपर इन्होंने काफी लंबी चौड़ी बहस की है, कैपिटलिज्म को काफी लंबे चौड़े तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। हिस्टोरियन हैं, सोशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी रहे थे अपने टाइम पे, और सोशल रिवोल्यूशनरीज तो हैं ही, कम्युनिज्म के ओरिजिनेटर तो हैं ही। तो ये एक बेसिक आइडिया है, अगर कार्ल मार्क्स के बारे में पूछ ले आपसे कि कौन थे भाई कार्ल मार्क्स, तो एक जर्मन फिलोसोफर थे आप कहेंगे, जिन्होंने कम्युनिज्म और सोशलिज्म की धारणाओं को काफी आगे बढ़ाया, कम्युनिज्म के तो आइडिया के ये ओरिजिनेटरी थे, और जो मॉडर्न सोशलिज्म है उसके भी इनको फादर कहा जाता है, हालांकि सोशलिज्म इससे पहले से था, सोशलिज्म के आइडियाज के बारे में पहले से बात हो रही थी, तो वो हम अलग किसी दिन बात करेंगे। हालांकि सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने दो किताबें इंपॉर्टेंट लिखी, वो भी आपको बताना होता है जब भी इनके बारे में पूछे, तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को नहीं भूलना है। चलिए बात कर लेते हैं इनकी अर्ली लाइफ की। तो इनका नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स, इनका जन्म हुआ 5 मई 1818 में, इनके माता पिता के 9 बच्चे थे, उनमें से एक ये भी थे। जन्म हुआ इनका ट्रायर में, ट्रायर जो है प्रूशिया का हिस्सा था उस समय, आज के समय जर्मनी का हिस्सा है, ये फ्रांस और बेल्जियम बॉर्डर के साथ ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ट्रायर पड़ता है जर्मनी में, उस समय जर्मनी ऐसा नहीं हुआ करता था। ऐसा जर्मनी का जो मैप है ये तो 1871 के बाद बना है, मैंने ये वीडियो बना रखा है जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में, तो वो आप देख सकते हैं। तो पहले प्रूशिया और छोटे छोटे काफी स्टेट्स में बटा हुआ था, और प्रूशिया जो है एक प्रोमिनेंट स्टेट इसमें हुआ करता था, तो ट्रायर इसका हिस्सा था। पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, मां का नाम था हेनरीटा प्रूसबर्ग, जो कि होलैंड की थी, वहां से इनके पिता ने उनसे शादी की थी। इनके जो पिता थे वो पहले ज्यूइश थे, ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए, वो एक लॉयर भी थे, कांट और वोल्टेयर जैसे जो फिलोसोफर्स हैं उनको वो फॉलो करते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, इनके बारे में हम सेपरेट वीडियोज बनाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, मतलब इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं सॉरी मतलब एक
बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर थे, ज्यूइश थे, और ज्यूइश लोगों का आप जानते हैं कि जर्मनी में उस समय प्रोसिक्यूशन हो रहा था, 19वीं शताब्दी में भी हुआ और 20वीं शताब्दी में हिटलर के समय तो बहुत ज्यादा हुआ। तो वो इस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए 35 साल की एज में उन्होंने अपने आप का, अपना जो धर्म है उसको कन्वर्ट कर लिया और क्रिश्चियनिटी में वो चले गए और क्रिश्चियन बन गए 1816 में। तो ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए लेकिन बाद में क्रिश्चियन बन गए। ये कार्ल मार्क्स का घर है भाई, और ये ऐसा नहीं था पहले, ये जर्मन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको इस तरीके से बनाया। यहाँ पे वो रहे थे कभी किसी समय पे, तो इसको एक म्यूजियम की तरह इन्होंने बना दिया, और कम्युनिस्ट लोग और सोशलिस्ट लोग जो है वो मार्क्स को याद करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। कार्ल मार्क्स फिर जब 6 साल के थे तो उनको भी बैप्टाइज किया गया, वो भी यहाँ पे जाके क्रिश्चियन बन गए। लेकिन रिलीजन के प्रति जो विचार थे मार्क्स के, वो शुरुआत से ही मतलब विरोधी थे, विरोधाभास था उसमें, वो रिलीजन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इनको फॉलो नहीं करते थे। आगे मैं इनके रिलीजियस आइडियाज की बात करूंगा। और अगर आप मार्क्सिज्म क्या एक मेन बात करें, मार्क्सिज्म के आइडियाज की बात करें, तो उनमें से एक आइडिया ये भी है कि वो रिलीजन के कट्टर विरोधी होते हैं, एथिस्ट होते हैं, हमेशा रिलीजन को अलग रखते हैं, वो रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं। ये आप जाके कहीं भी देख लीजिए, आप चाइना में जाएंगे और कम्युनिस्ट पार्टी को देखेंगे तो उसके जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल एथिस्ट मिलेंगे आपको, किसी भी रिलीजन को सपोर्ट करते हुए नहीं मिलेंगे। ऐसा ही होता है, अगर आप पहले के जो यूएसएसआर का समय की बात करें तो स्टालिन ने भी काफी लोगों का प्रोसिक्यूशन किया रिलीजियस बेस पे, रिलीजन को वो मानते ही नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज थी, मार्क्स इसका बहुत विरोध करते थे, पुरजोर विरोध करते थे रिलीजन का, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो ये मानते थे कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, इतना प्रोसिक्यूशन होता है लोगों का, भगवान कहाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यूइश बैकग्राउंड भी रहा था, वो भी एक इनका रीजन था, क्योंकि काफी प्रोसिक्यूशन इन्होंने देखे थे और इनका जो बैकग्राउंड है वो भी इस तरीके का रहा। फिर मार्क्स को स्कूल में भेजा गया, 1830 से 35 के बीच में इन्होंने हाई स्कूल, जो ट्रायर का हाई स्कूल था, फ्रेडरिक विलियम जिम्नासियम, इसमें इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन करी, हाई स्कूल भी यहीं तक यहाँ पे पढ़े। लेकिन यहाँ पे जो है इस स्कूल को भी काफी उस तरीके से सर्विलेंस में रखा जाता था, इसमें जो इनके जो टीचर्स थे लिबरल टीचर्स थे, और लिबरलिज्म को काफी यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता था उस समय की जिस तरीके की सोसाइटी थी, तो ये सर्विलेंस में रहा हुआ करता था। लेकिन इनकी एजुकेशन शुरुआत से ही लिबरल स्कूल में हुई, तो इसलिए इनके ऊपर वो लिबरलिज्म के जो आइडियाज थे वो हावी थे शुरुआत से ही। और फिर उसके बाद ये दूसरे स्कूल में गए, 1835 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में गए, बॉन जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे गए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन माइथोलॉजी, हिस्ट्री, आर्ट, इन सब विषयों को पढ़ा, और यहाँ पे इनकी स्कूल लाइफ ठीक चल रही थी। लेकिन बाद में ये गलत आदतों में भी पड़ गए, और ड्रिंकिंग वगैरह की वजह से और डिस्टर्बेंस की वजह से, पीस को डिस्टर्ब करने की वजह से इनको जेल भी हुई है एक आध बार, तो ऐसी चीजें भी हुई हैं। देखिए, एक चीज आपको मार्क्स के लाइफ में साफ दिखेगी, कहीं पे भी ये जाते थे इनकी कोई ना कोई ऐसी हरकत होती थी जिसकी वजह से इनको वहां से निकाल दिया जाता था, इनको भगा दिया जाता था। शुरुआत में तो देखो ये तो नेगेटिव सेंस में गए हैं, लेकिन बाद में इनके जो आइडियाज थे वो इतने रिवोल्यूशनरी हुआ करते थे कि वहां की सत्ता को इनसे डर लगता था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते थी, वो चैलेंज करते थे हमेशा सत्ता को, तो इसलिए इनको यहां से भगा दिया जाता था। तो उसके बाद इनके पिता ने कहा कि बेटा सीरियस हो जाओ, लाइफ में पढ़ाई लिखाई कर लो, तो यहां से यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से तो इनको निकाल दिया, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में इनका एडमिशन कराया गया, और वहां पे इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करी, इन्होंने लॉ में और फिलोसॉफी में अपनी आगे की डिग्री करी। तो लॉ भी पढ़ा, लॉ इनके पिता लॉयर थे, फिलोसॉफी में इन्होंने आगे खुद पढ़ा, सोशलिज्म वगैरह के ऊपर काफी डिटेल में रिसर्च करी, और उसके बाद इन्होंने यंग हेगलियन ग्रुप को ज्वाइन किया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो तो काफी बाद की बात है, तो वो एक रेडिकल ग्रुप हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने अपने सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो इन्हें चीजें इनको देखने को मिली। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक न्यूज़पेपर में भी इन्होंने काम किया था, एडिटर का काम किया, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो एक लिबरल न्यूज़पेपर हुआ करता था रेंशी जेन 2, देखिए ये मैं नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, जर्मन नाम है। इस न्यूज़पेपर में कोलोन में ये एडिटर की इनको जॉब मिली, और अप्रैल 1843 में इस न्यूज़पेपर को भी एक तरीके से सरकार के ऑर्डर पे इसको बंद करवा दिया गया। बंद क्यों करवा दिया गया, लिबरल न्यूज़पेपर था ये, लोगों की बात को सामने रखता था, जो चीजें जो समस्याएं हो रही थी लेबर क्लास को, स्पेशली सोशलिज्म के आइडियाज को प्रमोट करता था, सत्ता को चैलेंज करता था, तो इस तरीके की बातें थी। तो उस समय तो आप जानते हैं जो राजा का समय था, तो उसने इसको बंद करवा दिया।
उसके बाद इन मार्क्स जो हैं यहाँ से रिजाइन करके चले जाते हैं, उसके बाद ये अलग अलग जगहों पे जाते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन एक ऐसा समय इन्होंने देखा जिसमें इनको लग रहा था कि हाँ भाई, आदमी के जो अधिकार हैं उसमें काफी कमी है, उसको बोलने के लिए रोका जाता है, वो चीजें नहीं बोल सकता जो सब जेन्युइनली फील करता है, लोगों का लोग बहुत ही दबाव में हैं, ये सब चीजें देख रहे थे। शादी की भी बात कर लेते हैं, वाइफ एंड चिल्ड्रंस की, तो 1843 में इनकी शादी हुई जेनी वॉन वेस्टफेल्डलैंड से। ये जो लड़की थी, इनकी जो फैमिली थी वो एक मिलिट्री में थी, मिलिट्री बैकग्राउंड से आती थी। इनके जो भाई थे उनका एक काफी अच्छा ऊंचा ओहदा था, वो प्रूशियन मिनिस्ट्री में थे, इंटीरियर मिनिस्ट्री थी ना जो प्रूशिया की, उसमें शुमार थे। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इनका वो बैकग्राउंड भी था कि भाई दूसरी तरफ जो इनकी ये वाली फैमिली है जिसमें शादी के बाद वाली फैमिली, तो इसमें थोड़ा सा इनको मतलब थोड़ा सा तो फायदा मिलेगा इस चीज का। फिर इनके जो पिता थे, इनकी जो वाइफ है उनके जो पिता थे उनका नाम था वो सिमोन जो थे, वो एक सोशलिस्ट थे, वो फ्रेंच सोशलिस्ट थे, वो काल को काफी पसंद करते थे, काल भी उनको पसंद करते थे क्योंकि दोनों के विचार काफी मिलते जुलते थे। इनके ये देखिए 7-8 बच्चे थे, कितने, सात बच्चे थे इनके भाई, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि कौन कितने बच्चे थे, ये महत्वपूर्ण नहीं, ये खुद भी 9 भाई बहन थे, इनके 7 बच्चे भी थे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके उस लाइफ की, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में जब शामिल हुए वही इंपॉर्टेंट है, इनकी फिलोसॉफी इंपॉर्टेंट है, जो अर्ली लाइफ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने अपनी शादी के कुछ महीनों बाद ही, ये जो कपिल है ये फ्रांस चला गया, और यंग हेगलियन नाम का एक ग्रुप था, एक रेडिकल ग्रुप था, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। लिबरल ग्रुप था, काफी बात करता था, ये रिलीजन को क्रिटिसाइज करता था, प्रूशियन डिक्टेटरशिप को काफी क्रिटिसाइज करता था। कार्ल मार्क्स इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, इनके आइडियाज के साथ, मतलब एक तरीके से इनके मार्क्सिज में और इनके साथ सम्मिलित होते हैं, जो भी चीजें लिखते हैं उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद इनकी मुलाकात होती है फ्रेडरिक एगल्स से, जो इनके आगे साथ, इनके साथ इन्होंने जो बुक भी लिखी है और इनके साथ काफी इन्होंने काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इनके साथ ये मिले 1845 में, इन दोनों ही ने साथ में मिलके, मार्क्स ने और फ्रेडरिक एगल ने एक किताब लिखी द होली फादर, इसके ऊपर ये हेगेलियन फिलोसॉफी को बताती थी, ये भी किस तरीके से ये रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे, ये प्रूशियन डिक्टेटरशिप में क्या चीजें हो रही थी, लोगों के अधिकारों को किस तरीके से दबाया जाता था, इन सब चीजों के बारे में ये बात कर रहे थे। उसके बाद कुछ समय बाद फ्रांस से भी इनको निकाल दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके के व्यक्ति थे मार्क्स और जिस तरीके से ये पॉपुलर हो रहे थे, इनका मूवमेंट पॉपुलर हो रहा था, उससे क्या होता है कि वहां की सत्ता इनको वहां से निकाल देती है। फिर ये ब्रुसेल जाते हैं, ब्रुसेल कहां है, बेल्जियम की कैपिटल है, वहां पे जाते हैं, प्रूशियन सिटीजनशिप को त्याग देते हैं और यहां बेल्जियम के नागरिक बन जाते हैं। यहां पे जाके इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साल 1848 में बुक लिखी अपने दोस्त जो है ईगल्स के साथ। उसके बाद इन्होंने इसमें इन्होंने क्या बताया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने काफी बहुत सारी बातें बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए, जो आज का जो समाज है वो दो हिस्सों में बट चुका है, दो क्लास में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ आपको देखेंगे कैपिटलिस्ट जो ऑपरेसर है, कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट जो है, ये सही से क्यों नहीं चल रहा है भैया, पता नहीं, चलिए, एक है कैपिटलिस्ट और एक है लेबर, लेबर क्लास का हमेशा शोषण हो रहा है, और जो कैपिटलिस्ट हैं वो ऑपरेसर हैं, और जो जिनका ऑपरेस हो रहे हैं, जो लोग जिनका शोषण हो रहा है वो कौन है, वो है मजदूर वर्ग, और मजदूर वर्गों का हमेशा से यहां पे शोषण होता रहा है, इसकी वजह से क्लास डिवाइडेशन हो गया है, और कैपिटलिज्म ने ये क्लास डिवाइडेशन किया है। कि उन्होंने कहा कि एक समय था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी, कैपिटलिज्म की जरूरत थी, लेकिन अब कैपिटलिज्म की कोई नीड नहीं है, अब हमें जरूरत है सोशलिज्म की और कम्युनिज्म की, और इस क्लास स्ट्रगल का एक दिन अंत होगा। और इन्होंने अपनी काफी सारी फिलोसॉफी दी, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म की फिलोसॉफी दी, और वो सब चीजें मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। और ये क्लास स्ट्रगल के बीच का जो रिवोल्यूशन एक दिन होगा प्लूटोरियट्स का, इससे क्या होगा, एक दिन ये कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है इसका अंत हो जाएगा, और फिर से यहां पे कम्युनिज्म की एस्टेब्लिशमेंट होगा, सोशलिज्म का एस्टेब्लिशमेंट होगा। इस चीज को आप डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए इन्होंने एक किताब और लिखी दास कैपिटल, जब ये लंदन की लाइफ में जी रहे थे, लंदन में चले गए थे आगे चल के, काफी सारे शहरों में इन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया है एज ए जर्नलिस्ट। ये न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में काम करते थे,
करस्पॉन्डेंट की तरह वहां पे काम करते थे। हालत इनकी बहुत खराब थी जब ये काम कर रहे थे। देखिए, हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो लेबर में आप एक तरह से इसको काउंट करेंगे ना, तो इनको जो वेज मिलती थी एज ए जर्नलिस्ट एज ए करस्पॉन्डेंट वो इतनी नहीं थी जितनी इनको मिलनी चाहिए थी जितना ये हार्डवर्क करते थे। तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इनके जो मित्र थे इंगल्स, इन्होंने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे करके कम्युनिस्ट लोगों के साथ, जो इनके कम्युनिस्ट फेलोज हैं उनके साथ ये आइसोलेट हो गए कुछ समय के लिए, और इन्होंने जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और नई नई जो चीजें हैं उनके ऊपर बात करना शुरू कर दिया कि कैपिटलिज्म किस तरीके से राइज हुआ, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी थ्योरीज इन्होंने दी हैं। तो फर्स्ट इंटरनेशनल जो एक ग्रुप था उसके साथ ये जुड़ गए। इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे चीजें लिखी और उसी के दौरान जो इनकी फिलोसॉफीज हैं उनको इन्होंने कंबाइंडली जिस किताब में लिखा उसको कहा गया द दास कैपिटल। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें इन्होंने अपने इकोनॉमिकल आइडियाज दिए जो मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके से सोशलिज्म को काम करना चाहिए, किस तरीके का समाज पहले रहा था, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म की जीत कैसे होगी, वो आइडियाज के बारे में इन्होंने बात की। अब उस आइडिया के बारे में बात कर ही लेते हैं हम फाइनली कि क्या था इनका सेंट्रल आइडिया जिसके ऊपर इन्होंने बात की। कैपिटलिज्म क्या है मार्क्स के हिसाब से? कैपिटलिज्म क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिकल सिस्टम है जो सिर्फ इकोनॉमिकल सिस्टम ही नहीं है, वो पॉलिटिकल सिस्टम भी है, जो कि क्लास डिवाइड करता है, जो कि सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी पे बात करता है, जो कि लोगों की इक्वालिटी को बिल्कुल महत्व नहीं देता, सिर्फ इस चीज पे बात करता है कि हमें प्रॉफिट कैसे बनाना है। जो पावरफुल है वो पावरफुल होते चले जाते हैं, जो वीक है वो वीकर सेक्शन है वो हमेशा कमजोर रह जाता है, उसका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता है, और कैपिटलिस्ट जो है जो पूंजीपति लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं। ये कैपिटलिज्म के बारे में इन्होंने कहा। इस तरीके से कैपिटलिज्म की इन्होंने हार्ड कोर अपोजर थे कैपिटलिज्म के, इतना बुरी तरीके से उसको क्रिटिसाइज करते थे। फिर क्लास स्ट्रगल की इन्होंने बात करी कि भाई ये जो कैपिटलिज्म क्लास डिवाइडेशन करता है, इसमें आपको एक तरफ कैपिटलिज्म दिखेंगे कैपिटलिस्ट दिखेंगे और दूसरी तरफ आपको प्लूटोरियट्स दिखेंगे। प्लूटोरियट्स इन्होंने कहा मजदूर वर्ग को, जो मजदूर वर्ग है जो लेबर क्लास है उनको इन्होंने कहा प्लूटोरियट्स। तो प्लूटोरियट्स और इनके बीच में क्लास स्ट्रगल की वजह से जितना ज्यादा दमन होता रहेगा प्लूटोरियट्स का, जितना ज्यादा उनका शोषण होगा, धीरे धीरे ये क्लास स्ट्रगल बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा जब ये लोग इस स्ट्रगल को, इस दमन को सह नहीं पाएंगे, और तब क्या होगा वो चीज बताऊंगा। तो इतना एक्सप्लॉयटेशन होगा, एक्सप्लॉयटेशन ओवर द टाइम होगा, एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा जब तक ये लोग सर नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, और एक नेचुरल फिनोमिना इन्होंने कहा कि होगा ही होगा, एक दिन तो रिवॉल्यूशन होगा ही, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं इनको भागना पड़ेगा और वो आंदोलन होगा, उसके बाद कैपिटलिस्ट खत्म हो जाएंगे। कैसे होगा वो देखो, पहले मैं यही बता देता हूं आपको। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई दमन करते रहोगे, दमन करते रहोगे, लेकिन एक दिन तो एक ऐसी स्टेज आएगी ना जिसमें लोग क्या कहेंगे, ये जो प्लूटोरियट जो वर्कर क्लास है वो क्या कहेगी कि इनफ इज इनफ, बस अब नहीं सहन करेंगे, अब सहन नहीं हो पाएगा, अब आएगा रिवॉल्यूशन। और वो कहते हैं ना कि पतन के बाद ही आती है क्रांति। तो इतना पतन हो जाएगा, इतना लोगों को उनको एक्सप्लोइट किया जाएगा कि लोग जो हैं ये जो प्लूटोरियट्स हैं ये सब मिलके एक्सपोनेंशियली एक रिवॉल्यूशन इस यहां से जन्म होगा, सब लोग अचानक से आंदोलन कर देंगे, और उसके बाद ये जो पूरी तरीके से अभी तक कैपिटलिस्ट की मर्जी चल रही थी वो मर्जी नहीं चलेगी, और डिक्टेटरशिप ऑफ प्लूटोरियट जो है वो एस्टेब्लिश होगा। डिक्टेटरशिप ऑफ प्लूटोरियट्स यानी जो मजदूर वर्ग है उनकी डिक्टेटरशिप आएगी, वो इक्वालिटी लेके आएंगे। कम्युनिज्म इसी को कहा गया कि जब डिक्टेटरशिप ऑफ प्लूटोरियट्स आ जाएगी, सब जगह कोई क्लास डिवाइडेशन नहीं होगा, वो वेल्थ का बंटवारा इक्वली करेंगे, किसी भी तरीके से यहां पे ना कोई चर्च का इंटरवेंशन होगा, ना किसी तरीके से प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी होगी। कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से हटा के खारिज करके एक ऐसा रिवॉल्यूशन होगा जो कम्युनिज्म की और जो सोशलिज्म की ट्रू सेंस में नींव रखेगा। ये इन्होंने बात की, ये ही इसका सेंट्रल आइडिया है मार्क्सिज्म का। अब मार्क्सिज्म का जो आइडियाज हैं उनको यूटोपियन आइडियाज भी कहा जाता है कई बार। यूटोपियन आइडियाज यानी इतने आइडियलिस्टिक आइडिया हैं, इतने ड्रीमी वर्जन है ये, कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सवाल करते हैं, बाद में करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं कि क्या बिना किसी लीडर के, बिना किसी मोटिवेशन के लोग एक पतन होता जाएगा और अचानक से सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और आंदोलन कर देंगे, क्रांति आ जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या?
इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं मार्क्स को कि मार्क्स ने कोई एक आइडिया नहीं दिया कि किस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, आंदोलन किस तरीके से लीड किया जाएगा, कौन लीड करेगा, कैसे ये जो अनपढ़ और कम पढ़े पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो प्लूटोरियट्स हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ये इस तरीके के आंदोलन को कैसे चला पाएंगे, और अगर ऐसा आंदोलन कर भी लिया तो वो आंदोलन हिंसक नहीं होगा, और इसकी क्या गारंटी है, वो आंदोलन के बाद चीजें एकदम सही हो जाएंगी, सब इक्वलिटी आ जाएगी, इस चीज की क्या गारंटी है। इस चीज में इसीलिए इनको यूटोपियन फिलोसोफर भी कहा जाता है कई बार, कि इनके जो आइडिया है वो काफी अनरियलिस्टिक है। हाँ ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, किताबी बातें लगती हैं, ऐसा इन्होंने कहा। हालांकि इन आइडियाज को आगे चल के अडप्ट करके, अडप्ट किया गया पूरी तरीके से, मार्क्सिस्ट आइडियाज को पूरी तरह से फॉलो करके कोई देश की जो फिलोसॉफी है वो नहीं चल पाई, लेकिन जैसे लेनिन ने इनको बाद में अडप्ट किया और आगे चल के रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां पे मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म चला, और लेनिन ने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलोसॉफी में इन्होंने क्या कहा कि दो तरीके की क्लास है, एक है बुर्जवासी जिनको वेल्दियर क्लास या कैपिटलिस्ट कहा गया, प्लूटोरियट वो हैं जो कि गरीब क्लास है, जो गरीब लोग हैं, लेबर क्लास है। बुर्जवासी कंटिन्यूअसली लोगों का एक्सप्लॉइट करते रहते हैं प्लूटोरियट्स का, और उनका ये नहीं है कि एक्सप्लॉइट करने में मजा आता है, वो ऑटोमेटिकली करते रहते हैं अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए, लेबर क्लास को कम से कम पैसा देते हैं, उनकी मेहनत का उतना पैसा उनको मिलता नहीं है, प्लूटोरियट्स मुश्किल से अपने जीवन यापन कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है कि ये जो प्लूटोरियट्स हैं और इनकी स्थिति खराब होती चली जाती है। इसी वजह से क्या है कि ये जो क्लास स्ट्रगल है ये लंबे समय तक चलता रहता है, और फिर प्लूटोरियट्स जब तक इस एक्सप्लॉयटेशन को सहन कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, लेकिन बाद में एक समय आएगा कि ये जो चीजें हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, ये जो दबाव में है वो दबाव से हट जाएंगे और फिर ये आंदोलन होगा और उसके बाद इसको कोई रोक नहीं सकता, ये ऐसा मानना था। और मार्क्स का ऐसा मानना था, उसके लिए किसी लीडर की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, जब लोगों का दमन होगा अपने आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और एक दिन ऐसा हो जाएगा। इसीलिए लोग इनको यूटोपियन भी बोल देते हैं कई बार, कि ऐसा नहीं होता, अचानक से लोग नहीं उठ पाते। अब देखिए, अब रिलीजन के ऊपर कार्ल मार्क्स का क्या विचार था वो समझिए। ये कट्टर एथिस्ट थे, रिलीजन को बिल्कुल सिरे से खारिज करते थे, और वो कहते थे कि रिलीजन जो है ना वो ऑप्रेस्ड क्रिएचर है, वो तो लोगों को दबाने के लिए बनाया गया क्रिएचर है, कि पावरफुल लोग जो हैं वो रिलीजन का इस्तेमाल करके, पॉलिटिकली पावर इस्तेमाल करके लोगों को दबा सकें और अपनी मर्जी की बातें उनको एक्सेप्ट करवा सकें। ठीक है, ये है द हार्ट ऑफ हार्टलेस, ये हार्ट ऑफ हार्टलेस उन लोगों का जो पत्थर दिल लोग हैं उनके लिए ये हार्ट है, सोल ऑफ सोललेस कंडीशन है, और ओपियम ऑफ द पीपल लोगों के लिए अफीम है, अफीम जैसा है रिलीजन, नशा है अफीम जैसा है। तो मतलब बहुत ही नेगेटिवली रिलीजन को इन्होंने दिखाया है और कहा है, सिरे से खारिज किया है कि रिलीजन की किसी भी समाज के अंदर कोई जरूरत है ही नहीं, ऐसा इन्होंने कहा है। ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज हैं रिलीजन को लेके, इसीलिए जब भी आप मार्क्सिस्ट आइडियाज की बात करेंगे, और जो भी मार्क्सिस्ट लोग हैं वो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, आप इस चीज में काफी बिलीव नहीं करते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन आप बहुत ज्यादा लोग मार्क्स को नहीं फॉलो करते, लेकिन भगत सिंह को तो इंडिया में बहुत लोग इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्यों करते हैं वो आप सब जानते हैं, लेकिन भगत सिंह खुद क्या थे, एथिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बुक भी लिखी वाई आई एम एथिस्ट, और वो खुद लेफ्टिस्ट थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधाराओं को वो फॉलो करते थे, तो वो भी एथिस्ट थे, और बहुत जो भी लोग मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं वो ज्यादातर एथिस्ट ही होते हैं। कम्युनिज्म में क्या कहा कि जो कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में पहले भी मैं बता चुका हूं, जब कम्युनिज्म सोशलिज्म और कैपिटलिज्म पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है वो लोगों के द्वारा कम्युनली विदाउट क्लास उसको वो किया जाएगा, ऑन किया जाएगा। ठीक है, और उसी में जो सोशलिज्म है वो इसका इंटरमीडिएट रहेगा। देखिए, एक्सट्रीम, थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्जन मान लीजिए आप कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को थोड़ा सा लिबरल मान लीजिए इसमें, तो आप उसको जाके डिफरेंस को आप ढंग से देख सकते हैं, मैं यहां पे इतना नहीं बताऊंगा। तो वर्कर्स जो है उसमें सोशलिज्म के थ्रू, एक सोशल रिवॉल्यूशन के थ्रू क्या होगा, वर्कर्स जो है वास्ट मेजोरिटी में सत्ता को अपने पास रखेंगे, जो भी चीजें हैं यहां पे भी क्लास डिवाइडेशन नहीं होगा, क्लास नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक क्लास डिवाइडेशन यहां पे हो जाता है क्योंकि लिबरल है, चीजें यहां पे पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं होती, स्टेट कंट्रोल में नहीं होती चीजें, कुछ हद तक मतलब
लिबरल होती हैं। कम्युनिज्म हार्डकोर विचारधारा इसमें कह रखा है कि हर एक चीज पूरी तरीके से मीन ऑफ प्रोडक्शन जो है कलेक्टिवली ओन होना चाहिए, प्रोडक्शन भी उतना ही होना चाहिए जितनी नीड है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म ऐसा नहीं है, यहां पे थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर भी आपको दिख जाएगा, कम मात्रा में मिलेगा। कैपिटलिज्म में तो कंप्लीट मिलता है, यहां पर कम मात्रा में मिलेगा। कम्युनिज्म में प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके की ये होती है विचारधाराएं। तो मार्क्सिज्म इन चीजों को इस तरीके से देखता है कि ये जो स्टेजेस हैं उसके थ्रू आगे चल के कम्युनिज्म का एस्टेब्लिशमेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मार्क्स की जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की थ्योरी है वो क्या कहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसकी, ये भी हमें पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी बन सकता है, मैं बनाऊंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में यहां पर बता देता हूं। तो मार्क्स की जो थ्योरी है चेंज के ऊपर, जो समय के साथ साथ जो चीजें चेंज होती हैं, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की थ्योरी इसको कहा जाता है, मेटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, मेटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री इसको नाम दिया मार्क्स ने। ये थ्योरी क्या है, देखो हिस्टोरिकल और मेटेरियलिज्म दोनों शब्द अलग अलग हैं। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक तौर पर, और मेटेरियलिज्म को से मतलब क्या है, मेटेरियल, हर तरीके का मेटेरियल। इसमें मेटेरियल सिर्फ वो मत मानिए आप जो आप जैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन, कॉपी, पेन, लैपटॉप, ये सब चीजें मेटेरियल ही नहीं, वो चीजें फीलिंग्स, फिलोसॉफी, इनको भी मेटेरियलिज्म में ही शामिल कीजिए। जैसे हर एक आइडियाज को जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वो सब मेटेरियलिज्म का हिस्सा माना है मार्क्स ने यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया किस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर भी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। चाइना किस तरीके का है, वहाँ पे कम्युनिज्म है, वहां पे पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है। तो हर एक जगह पे अलग अलग तरीके का मेटेरियलिज्म है, वहां की स्थिति अलग अलग तरीके की है। तो इसको स्टडी करके, इसको समझ के मार्क्स ने एक धारणा दी है और उसको समझाया है, उसको चरणों को समझाया है कि हर एक जगह पे जो ह्यूमन बीइंग्स का जो डेवलपमेंट है ओवर द ईयर टाइम और स्थिति के अकॉर्डिंग वो कैसे होता है, उस पर इन्होंने बात करी है। इसमें उन्होंने प्रोडक्शन की भी बात करी है, सोशल प्रोडक्शन की भी बात करी है इसमें। तो इसमें इन्होंने क्या की कहा है कि जो भी आदमी है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो सोशल प्रोडक्शन का जब में इंगेज होता है तो उसको कोऑपरेशन की नीड होती है। कोऑपरेशन हर तरीके का, मतलब समाज का कोऑपरेशन उसमें होता है, हमें जो आसपास की जो मेटेरियलिस्टिक चीजें मिली हैं उसका कोऑपरेशन होता है। जैसे कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हमारे पास ज्यादा अधिकार हैं, राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू जैसे कि जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे चाइना में नहीं है, नॉर्थ कोरिया में नहीं है, तो वहां पे अधिकार इतने नहीं होते। तो हर एक व्यक्ति को काम करने की आजादी और समाज में अपने हिसाब से जीने की आजादी अलग हो जाती है। तो अलग अलग तरीके के आपके फोर्सेस होते हैं जो आपको पुश करते हैं। आप हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते कि जो चाहते हैं वैसा वैसा आप कर पाए, जैसे कार्ल मार्क्स खुद भी नहीं कर पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे उनको निकाल दिया गया, फ्रांस से भी निकाल दिया गया, उनको लंदन से भी एक बार के लिए निकाल दिया गया। तो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी। ठीक है, तो समाज के जो सोशल रिलेशन है वो पूरी की पूरी सोसाइटी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहां के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करते हैं। इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल जैसे कि कैपिटलिज्म है कहीं पे कम्युनिज्म है, तो कैपिटलिज्म है कहीं पे तो वहां पे आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा क्योंकि वहां पे आपको आजादी है। लेकिन कम्युनिज्म में यहां जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी नहीं मौजूद होता तो वहां पे आप काम नहीं कर सकते। तो उस पर एक चीज इन्होंने बताई है कि आप इस इकोनॉमी को दो बेसिस पे एक तरीके से बांट सकते हैं, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है सुपरस्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे प्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, कुछ भी चीज बना रहे हैं आप, मान लो कपड़ा बना रहे हैं, तो एक समय ऐसा था जब मान लो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था तो आपके पास मशीनें भी नहीं थी, आप हाथ से कपड़ा बनाते थे। टेक्नोलॉजी उसमें डिपेंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें डिपेंड करता है, किस तरीके की लेबर आपके पास है, किस तरीके की स्किल आपके पास है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन सुपरस्ट्रक्चर क्या है, सुपरस्ट्रक्चर में वो सब चीजें आ जाती हैं जो आपके हाथ में भी नहीं है, जैसे कानून है वहां का, वहां के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी, फिलोसॉफी, किस तरीके की विचारधाराएं उस देश में उस वहां पे फॉलो की जाती हैं जो कि आपको काम करने के दायरे को सीमित करती है, असीमित करती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म कम्युनिज्म का, कि कैपिटलिज्म होगा तो आपको आजादी है कि किसी तरीके से भी काम करें, वहां पे प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी हो जाती है, लेकिन वहां पे ये चीजें भी हैं कि वहां पे आपको रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं मिलेगा। तो हर तरीके का जो स्ट्रक्चर है
जो आपके हाथ में नहीं है वो सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सुपर स्ट्रक्चर ओवर द टाइम बदलता है, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलता है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट होता है, समय के साथ साथ चीजें भी बदलती हैं, यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी बदलते हैं, उसी तरीके से किसी देश की आइडियोलॉजी और फिलोसॉफीज किस तरीके से बदलती हैं इसके ऊपर इन्होंने जोर दिया है, और इसी को हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट धारणा माना जाएगा। देखिए क्या है कि देखिए ऐतिहासिक तौर पे इस सोशल डेवलपमेंट को कार्ल मार्क्स ने इस चार पांच चरणों में बताया है, और इसकी कोई समय सीमा नहीं बनाई, सीमा टाइम लाइन नहीं बनाई कि कौन सा समय कौन सा था, बस एक बताया है कि चीजें कैसे कैसे। एक प्रीमिटिव कम्युनिज्म इन्होंने बताया, प्रीमिटिव कम्युनिज्म को आप देखिए कि प्री हिस्टोरिकल टाइम जो आदि मानव वाला टाइम था ना उसको देखिए, तो उसमें कोई प्रॉपर्टी किसी के पास ओन नहीं होती थी, लोगों के पास प्रॉपर्टी रखने की समझ और सब चीजें थी नहीं, किसी तरीके का क्लास डिवाइडेशन भी नहीं था, लोग एक दूसरे के ऊपर रूल भी नहीं करते थे, तो इक्वालिटी थी, इक्वालिटी थी अपने आप में। हाँ, फिर धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ, एंशियंट सोसाइटी पे आ जाते हैं, एंशियंट सोसाइटी में लोगों के पास, कुछ लोग थोड़े आगे निकल गए समय से, मतलब दूसरों से, उनके पास टूल्स अच्छे आ गए, वो पावर में आ गए, वो उनके पास अब थोड़ी सी एक तरीके से पॉलिटिकली वो चीजें हो गई कि कुछ लोग ऐसे हो गए थे जिनके पास ज्यादा साधन थे, कुछ ऐसे थे जिनके पास कम साधन थे, तो वहां से स्लेवरी का राइज होता है। स्लेवरी का राइज कैसे होगा कि जो पावरफुल लोग हैं उनके टूल्स को इस्तेमाल करके दूसरे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो उनके दबाव में है, तो स्लेवरी यहां पे हो गई। फिर फ्यूडलिज्म आया, अगर आप मेडाइवल पीरियड में आते हैं तो फ्यूडलिज्म का दिखता है, सामंतवाद जिसको कहते हैं, जिसमें सामंतों के पास जमीन है, बड़े लैंडलॉर्ड्स आए उनके पास जमीन थी, इसमें जो छोटे सर्फ थे, जो छोटे किसान थे, पीजेंट्स वगैरह थे, वो उनके अंडर काम करते थे, उनके अंदर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। तो फ्यूडलिज्म में जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो पावरफुल होते चले गए और फिर ये जो सर्फ हैं ये कमजोर होते चले गए, और फिर इसी का एक्सटेंड वर्जन आगे चल के कैपिटलिज्म में दिखेगा। कैपिटलिज्म में जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी कैपिटलिज्म दिखेगा, यहाँ पे फ्यूडलिज्म का भी एक्सटेंडेड वर्जन कैपिटलिज्म दिखेगा, जहां पे उनके पास एक दो तरीके की क्लास हो गई, जहां पे एक तरफ तो वेज अर्नर थे और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट थे जिनके पास बहुत पैसा था, और ये पैसा ये अपने लोगों को जो नीचे लेबर काम करती थी उनको उतना ढंग से नहीं देते थे, उनका शोषण करते हैं, प्रोलेटेरियट्स का शोषण करते हैं। उसके बाद फाइनली ये कहते हैं कि एक समय आएगा जब एक रिवॉल्यूशन आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा तब क्या होगा, हर एक स्टेज जो है आगे जब आती है तो रिवॉल्यूशन के थ्रू ही आती है। सोशलिज्म आएगा कैसे, इन ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये कंटिन्यूअसली लोगों का शोषण करते रहेंगे, फिर लोग प्लूटोरियट्स जो है वो एक दिन आंदोलन कर देंगे, एक बड़ी क्रांति होगी, सोशलिज्म की शुरुआत हो जाएगी, यहां पे कोई क्लास नहीं बचेगी, कम्युनिज्म होगा, उनके हाथ में सत्ता आएगी, सारे के सारे रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सब थ्योरी इन्होंने दी और इसी को मार्क्स की ये थ्योरी कहा जाता है, मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। इसको स्टेज वाइज स्टेज इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। अब थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या है, इसको भी आप उसी कैपिटलिस्ट और प्लूटोरियट्स की जो क्लास है उसके बीच का जो स्ट्रगल है उसी को समझाने के लिए ये थ्योरी भी इन्होंने दी है। फॉर एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, मान लीजिए एक व्यक्ति है वो एक कुछ भी एक सामान बनाता है, मान लीजिए वो बनाता है क्या बनाता है, मान लीजिए बनाता है पेन बनाता है, ठीक है पेन बनाता है, और पेन बनाते टाइम उसमें जो मटेरियल लगा, जो इंक लगी, जो प्लास्टिक लगा, जो भी मटेरियल लगा उसकी एक वैल्यू है, मान लीजिए 10 रुपए का पेन है, उसमें उस मटेरियल की वैल्यू मान लो 4 रुपए है, 4 रुपए का सामान उसमें लगाया, ठीक है, लेकिन उस मटेरियल को बनाने के बाद जब वो प्रोडक्ट निकल के आया, जो पेन निकल गया है, उसकी कीमत तो 10 रुपए है, और उसमें जो सामान लगा हुआ है उसकी कीमत कितनी है, 4 रुपए है, तो ये 6 रुपए जो वैल्यू बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है, उस बनाने वाले की वजह से बनी है, और वो बनाने वाला कौन है, लेबर है, लेकिन उस लेबर को क्या वो 6 रुपए मिलते हैं, क्या नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते, मिलते किसको है, वो जो कंपनी जो बना रही है, जिसका वो प्रोडक्ट है, जो कैपिटलिस्ट उसको बेचते हैं उसके पास जाता है, लेबर को क्या मिलता है, मान लो 1 रुपया, 1 रुपया भी इससे भी कम मिलता है, 1.25 रुपए मिलता है, तो 4 रुपए की चीज को 10 रुपए में बनाया तो किसने, लेबर ने, लेकिन उसको मुनाफा कितना हुआ, बहुत कम, इतना कम कि वो अपना जीवन यापन कर पा रहा है बस, उसको कुछ भी इतना फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू का जो इजाफा किया है ना एक लेबर ने, 4 रुपए की चीज को 10 रुपए में बनाने का जो काम किया है ना, तो ये जो सरप्लस वैल्यू है ना 6 रुपए वाली, इसको सरप्लस वैल्यू कहा गया,
और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो लेबर क्लास का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो इस तरीके से होता है कि लेबर जो सबसे इंपॉर्टेंट मीन ऑफ प्रोडक्शन है। देखिए, कोई भी प्रोडक्शन आप कुछ भी चीज बनाते हैं तो उसमें तीन तरह के रिसोर्सेज आपको काम में लेते हैं। एक है कैपिटलिस्ट रिसोर्स का मतलब कहना चाह रहा हूं मैं पैसा, ठीक है। दूसरे के बाद आप आता है नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। तीसरा आपके पास होते हैं लेबर रिसोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स। तो मार्क्स ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो लेबर रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स को दी है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है इन तीनों में वो तो लेबर है, जो सबसे ज्यादा काम करता है किसी भी प्रोडक्ट को फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाता है, किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिशिंग प्रोडक्ट तक लेके जाता है, वही उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है, वही उसकी वैल्यू को सच्चे मायनों में बढ़ाता है। तो 4 रुपए की चीज को 10 रुपए कर दिया तो ये जो 6 रुपए की कीमत बढ़ाई है ये लेबर ने बढ़ाई है, इसी को सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। और कहा गया कि ये जो लोग हैं जो कैपिटलिस्ट हैं ये 6 रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सही तरीके से नहीं करते हैं, ये 6 रुपए अपनी जेब में ले रख लेते हैं और ये जो लेबर क्लास है इनका हमेशा यहाँ पे शोषण होता जा रहा है। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, एक दिन आएगा और ये सब चीजें बदल जाएंगी उस आंदोलन के थ्रू। तो अब कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं मार्क्सिज्म का, जो मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। इन्होंने देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का वो समय जब सच में बहुत ज्यादा खराब स्थिति थी लेबर क्लास की, उनको बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको बहुत कम पैसा मिलता था, उनको वेज सही नहीं मिलता था, उस समय पे कार्ल मार्क्स ने अपनी ऐसी फिलॉसफी दी जिसकी वजह से वो लोग जो दबाव में थे वो समझ पाए इस चीज को कि हमारा इतना शोषण हो रहा है और ये कैपिटलिस्ट हमारा किस तरीके से शोषण कर रहे हैं। तो उस समय इन आइडियाज की बहुत नीड थी, सोशलिज्म के आइडियाज की काफी नीड थी, इक्वलिटी लाने की, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत थी, और उस मॉडर्न कैपिटलिज्म को समझने की भी नीड थी। और कैपिटलिस्ट भी समझ पाए कि हम इस चीज को लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे, कैपिटलिज्म भी सस्टेन नहीं कर पाएगा अगर ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज हैं उनसे एक ओवरव्यू भी मिला समाज को समझने के लिए कि उस समय किस तरीके से वो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही थी। उसके बाद बहुत सारे जो वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया, वेलफेयर स्टेट्स बने क्यों, उनको सोशलिज्म के आइडियाज को उन्होंने फॉलो किया। कम्युनिस्ट स्टेट बने, कम्युनिस्ट स्टेट्स की तो मैं आपको एग्जाम्पल ही दे दूं कि ये है लेनिन ने 1917 की जो क्रांति है रशियन रिवॉल्यूशन का, जो मैंने ऊपर वीडियो भी बना रखा है पूरा आप डिटेल में देख सकते हैं, वो मार्क्सिस्ट आइडियाज को ही बिलीव करते थे और मार्क्सिस्ट आइडियाज में उन्होंने एक चीज आगे ऐड की, उसको कहा जाता है मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म। उन्होंने कहा कि प्लूटोरियट्स का आंदोलन होगा, क्रांति होगी, लेकिन उस आंदोलन, उस क्रांति को लीड करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए जो उस आंदोलन को लीड करे और वो व्यक्ति मैं बनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं रिवोल्यूशनरीज का लीडर बनूंगा और मैं डिक्टेटरशिप संभालूंगा प्लूटोरियट्स की तरफ से, तो आई एम ए डिक्टेटर ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ प्लूटोरियट्स, ये कहा इन्होंने, और प्लूटोरियट्स की तरफ से मैं क्रांति को लीड करके और इस आंदोलन को लाऊंगा। और जार की सत्ता को इन्होंने खत्म किया, 1917 का जो आंदोलन हुआ, फरवरी रिवोल्यूशन, अक्टूबर रिवोल्यूशन जब हुआ, और उसके बाद 1917 में ही यहां पे जो रशिया था उस समय का वो जार की सत्ता से मुक्त होके यहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और पहला दुनिया का ऐसा स्टेट बना जो कि मार्क्सिस्ट आइडियाज के कॉन्सेप्ट को बिलीव करके आगे बना था। तो जो लोग कहते थे कि मार्क्सिस्ट आइडिया जो है, मार्क्स के जो आइडिया हैं वो पूरी तरीके से यूटोपियन हैं, वो ड्रीमी आइडियाज हैं, वो कभी भी सही नहीं हो सकते, वो कभी भी ग्राउंड पे उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं रहा। लेनिन ने इन चीजों को ग्राउंड पे एक तरीके से इंप्लीमेंट करके दिखाया और यहाँ पे 1922 में उसके बाद आप जानते हैं कि USSR बना, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप था कम्युनिस्ट देशों का, और वो 1991 में टूटा और आज भी दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। मार्क्स की डेथ कब हुई, लंदन में हुई 14 मार्च 1883 को, और यहाँ पे इनको बाद में दफना दिया गया और कम्युनिस्ट जो पार्टी है ग्रेट ब्रिटेन की, उन्होंने यहाँ पे टॉम्बस्टोन लगवाया इनका, मार्क्स का, 1954 में आगे चल के, और इनकी जो बुक्स हैं वो बहुत मशहूर हुई और इनके जो आइडिया हैं इनके मरने के बाद और ज्यादा पॉपुलर हुए, लोग इनको मानने लगे कि मार्क्स जो कह के गए थे उन चीजों की हमें जरूरत है, और बहुत सारे सोशलिस्ट रिफॉर्म्स हुए, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुए बहुत सारे देशों में 20वीं शताब्दी में, 1/3 दुनिया के देशों में यहाँ पे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज को अपनाया गया। हालांकि सोशलिस्ट आइडियाज और कम्युनिस्ट आइडियाज जो हैं वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए जिस
तरीके से मार्क्स ने अज्यूम किया था या लेनिन ने अज्यूम किया था, जिस तरीके से वो चाहते थे, जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर रहे थे, क्योंकि प्लूटोरियट्स की डिक्टेटरशिप का जब कोई लीडर बनता था तो वो अपने हिसाब से चीजों को चलाता था। अब क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिस्ट के जो आइडियाज हैं उनका क्रिटिसिज्म किस तरीके से होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इवन बहुत सारे सोशलिस्ट भी इनको कई लोग डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं वो इनके आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो प्लूटोरियट रिवोल्यूशन की इन्होंने बात करी है, वो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट होने की जरूरत क्या है, हम चीजें वैसे भी तो बदल सकते हैं, बात मतलब किसी चीज को बातचीत से भी तो हल किया जा सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, इतना ज्यादा परसिक्यूशन हो, उसके बाद ही एक आंदोलन हो, ठीक है, ये बात कही जाती है। बहुत सारे मार्क्सिस्ट थ्योरीज को इस तरीके से भी रिजेक्ट करते हैं कि इनके जो आइडियाज हैं वो मैंने कहा कि यूटोपियन हैं, इन्होंने क्योंकि एक ऐसा आइडिया नहीं दिया कि वो जो रिवॉल्यूशन है वो किस तरीके से होगा। थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है उनको, हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी को काफी लोगों ने एक तरीके से रिजेक्ट किया, कहा कि ऐसा नहीं है कि जो आप स्टेजेस बता रहे हैं वो स्टेजेस हमेशा वैसी की वैसी हों, हर एक देश की स्थिति और उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और वहां के अडेप्टेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, ये सब चीजें वहां पे आर्ग्यूमेंट कहा। और जो कैपिटलिस्ट आइडियाज को जो लोग सपोर्ट करने वाले थे वो लोग तो डेफिनेटली मार्क्सिस्ट आइडियाज का विरोध करना ही था उनको, क्योंकि एक मार्क्सिस्ट आइडियाज जो हैं और जो कैपिटलिस्ट और जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और वहां पे कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। आप जानते हैं कि टैलेंट के आधार पे और जो व्यक्ति जितना सक्षम है उस आधार पे उसको मौका ना मिलके सिर्फ इक्वालिटी की बात होती है, तो बहुत बार जो स्टेट का जो ग्रोथ है, किसी इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है, वो उतनी स्पीड से नहीं हो पाती जितना कि वो व्यक्ति अगर किसी कैपिटलिस्ट कंट्री में होता तो वहां हो पाती। ये सब चीजें आप जानते हैं, कैपिटलिज्म और उसके जो कम्युनिज्म के जो मैंने बताए थे पॉइंट्स बताए थे, कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, दोनों ही आइडियोलॉजी, तीनों ही आइडियोलॉजी के कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं उसमें होते हैं, तो जो कॉन्स हैं वो तो होंगे ही, तो उनके ऊपर मार्क्सिज्म को काफी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है। और इनकी जो थ्योरीज हैं जो मैंने अभी पहले भी बताई उनके ऊपर हम कभी सेपरेटली भी बात करेंगे, और हर एक थ्योरी के प्रो एंड कॉन्स की भी बात करेंगे, उनके क्रिटिसिज्म और उनके सपोर्ट की भी बात करेंगे सोशलिज्म को अलग से समझने के लिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। और इस वीडियो की पीडीएफ और किसी भी वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस प्लस अकेडमी को आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।